नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो जो शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि हमको जो अपने टॉयलेट्स में कौन सी सीट यूज़ करनी चाहिए, मतलब अपने टॉयलेट्स में किस तरह की सीट यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि कई लोगों को पसंद होती है माउंटेड, जो वॉल माउंटेड होती है, कई को फ्लोर माउंटेड पसंद आती है। मगर जो इन सीट्स में सबसे बेहतरीन चीज़ जो है कि आपको सबसे पहले जगह देखनी है, अपने बाथरूम की जगह देखनी है, अपने बाथरूम में किस तरह की जगह है, कितना स्पेस है, और तब उस आपको डिसाइड करना है। और आपका बजट सबसे पहली बात होती है, बजट बजट आपको देखना है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन सी सीट कितनी जगह घेर रही है, कितना मतलब कितना इतना पैसा खर्च करके हम क्या इतनी जगह बचा सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। मगर जो मतलब मेरा नज़रिया जो है वो कहता है कि अगर आप वॉल माउंटेड लगाएंगे तो ज़्यादा सफाई रहती है, ज़्यादा क्लीननेस रहती है फ्लोर में, फ्लोर ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है। बाकी आपकी मर्ज़ी आप कौन सी सीट यूज़ करते हैं, तो आगे वीडियो के साथ बने रहिए तो मैं आप लोगों को दिखा की मर्ज़ी आप कौन सी सीट यूज़ करते हैं तो आगे वीडियो के साथ बने रहिए तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सी सीट कैसे कितनी कैसी जगह लेती है और किस तरह से ये हमारे काम आएगी और किस तरह से हमारी जगह ही बचाएगी और हमें बाथरूम को सुंदर भी बनाएगी। तो दोस्तों, ये है हमारी एक वॉल माउंटेड सीट और ये है हमारा फ्लोर माउंटेड सीट और एक थर्ड भी आएगी, ये भी फ्लोर माउंटेड है, ये फ्लोर माउंटेड। अब वीडियो में जो आपको ये दिख रही है, अभी आगे दिखेगी, ये फ्लोर माउंटेड सीट है और सबसे ज़्यादा यूज़ यही होती है मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास घरों में, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि इसकी टैंक सीधा बाहर ही हैंग हो जाता है और ईजी टू मेनटेन होता है। अगर माना कभी मेंटेनेंस चाहिए होती है तो सिर्फ इसका टैंक चेंज करना होता है, सीट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये ज़्यादा हमारी दीवार से 26-27 इंच बाहर आती है, मतलब थोड़ा सा बाहर रहती है, मगर अगर आपका बाथरूम 4-4.25 फुट का है तो ये आराम से लग जाती है, इसका कोई इशू नहीं आता। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि इजी टू मेंटेन है, मतलब अगर कल आपकी कुछ भी प्रॉब्लम आती है प्लम्बर आप बुलाएंगे और आराम से इसे सर्विस करके भाग जाएगा और ज़्यादा पैसे भी नहीं बनाएगा, इसलिए सीट बहुत बेहतर होती है। सबसे ज़्यादा यूज़ यही होती है, 2500-4000 तक का खर्चा आता है इसे लगाने खरीदने में और इतने में ही ये लग लुक के ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये है वॉल माउंटेड सीट, ये भी सीट काफ़ी अच्छी होती है, बस इसका एक ही बेनिफिट मेरे को जो नज़र आता है कि फ्लोर बिल्कुल क्लीन रहता है, जगह कम घेरती है, इसका टैंक दीवार में छिप जाता है तो ये नीट एंड क्लीन दिखता है। मगर कॉस्ट वाइज बड़ा महंगा पड़ती है, ये सीट की कॉस्ट 4-5 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाती है और टैंक भी इसका कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का आता है तो, और इसको इंस्टॉल करने का खर्चा भी काफ़ी होता है। इसलिए इसे लगाने से पहले आप लोग सोच लीजिएगा कि सही है नहीं है, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।